एक समय अमेरिका अपने हथियारों के लिए दुनिया भर में चर्चित था। अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माने जाने में उसके बेहतरीन हथियारों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन अब हथियार आधुनिक हो रहे हैं और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अब सामान्य युद्ध की जगह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लेते जा रहे हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहते हैं, यानी जिस देश के पास जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले हथियार और दुश्मन के हथियारों को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी है, उसके युद्ध जीतने के चांस ज्यादा है। ऐसे में आधुनिक हथियारों और युद्ध सिस्टम के मामले में अमेरिका को अब अन्य देशों से चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि दुनिया में पावर सेंटर को लेकर अलग अलग देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। पावर सेंटर बनने की ये लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जो पावर सेंटर बनना चाहते हैं, वो आपस में सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने सहयोगियों की मदद से इनडायरेक्ट तरीके से युद्ध लड़कर एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने में लगे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और रूस को ले लें। अमेरिका पहले से ही ताकतवर है और रूस नई शक्ति बनकर उभरा है, लेकिन अमेरिका और रूस सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस से लड़ रहा है। यूक्रेन जिन हथियारों से रूस से मुकाबला कर रहा है, वो सब अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हैं। अमेरिका इसे यूक्रेन की मदद या सपोर्ट कहता है, लेकिन अब अमेरिकी हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो अमेरिका की चिंता बढ़ा देगी। रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट RS का कहना है कि अमेरिकी हथियार रूसी हथियारों के आगे फेल है। उसने कहा कि अमेरिकी हथियार इसलिए फेल हैं क्योंकि वे GPS पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इसी वजह से वो रूस के सामने टिक नहीं सकते। जिन अमेरिकी हथियारों को अविश्वसनीय माना जाता है, उनके बारे में रिपोर्ट चौंकाने वाली तो है ही। हालांकि RS की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की विफलता की एक वजह यह भी है कि वहां की सेना के पास उन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्विचब्लेड ड्रोन M1 अब्राम टैंक, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल M777 हॉविट्जर एक्सकैलिबर गाइडेड 155mm आर्टिलरी राउंड, हिमार्स मिसाइल, GPS गाइडेड बम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्काइडियो ड्रोन जैसे गेम चेंजर हथियार और सिस्टम दिए। इसके बाद से ही शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ। इन हथियारों में स्विचब्लेड ड्रोन के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि ये $60,000 की कीमत वाला ड्रोन बख्तरबंद टैंक और वाहनों के खिलाफ काम नहीं करता था। इसकी जगह यूक्रेनी सैनिकों को $700 का चीनी मॉडल ऑनलाइन खरीदना पड़ा। इसी तरह $10 मिलियन वाले अब्राम टैंक के बारे में कहा गया कि युद्ध में ये बार बार खराब होता रहा। रूस ने एक टैंक को पकड़ भी लिया था। उसने अपने यहां के हथियार प्रदर्शन में इस टैंक की तुलना M777 हॉविट्जर से की। माना गया कि यह अमेरिका और सैन्य ताकत का मजाक उड़ाने जैसा है। इसी तरह M777 तोप, जो अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, वो जरूरत के वक्त कमजोर साबित हुई। इसके बैरल ही बार बार खराब हो जाते थे। दूसरा, इसके लिए इस्तेमाल होने वाले 155mm गोला बारूद की सप्लाई भी बहुत कम है। हिमार्स के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि ये GPS पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण फेल हुआ, क्योंकि रूस ने GPS को जैम करने या जैमिंग में सफलता हासिल कर ली। इससे तो यही साबित हुआ कि रूस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आगे है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की कंपनी स्काइडियो ने रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन की मदद में ड्रोन का एक बेड़ा दिया, लेकिन रूस की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के कारण ड्रोन खराब हो गया और वो रास्ते से भटक गए और खो गए।